हाँ जी नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी, इसके अंतर्गत हम आज प्रश्न नंबर 15 है विविध प्रश्न वाला नंबर 8 और प्रश्न कौन सा है 15। और 15वां प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार अपने को क्या है, किससे प्रश्नानुसार एक कच्चा डायग्राम बना लेना है और कच्चा चित्र बना करके उसको नामांकित भी करें। ठीक है ना, अब आप प्रश्नानुसार देख रहे हैं आपके सामने एक कच्चा डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम के अंदर देखो आप इसी स्तंभ की चोटी का, स्तंभ हो गया आपके जैसे सीडी, ठीक है, और स्तंभ की चोटी हो गई आपके सामने डी। ठीक है, स्तंभ सीडी है जिसकी चोटी तो हो गई डी, और स्तंभ सीडी है इसकी ऊंचाई को हमने एच बराबर माना। ठीक है, अब स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, समतल यानी कि जैसे ये एसी, और समतल पर स्थित एक बिंदु हो गया जैसे आपका ई, ए कौन सा हो गया, बिंदु हो गया आपका ए, और ए से 15 डिग्री का क्या है उन्नयन कोण, ए से डी का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है अपने को 15 डिग्री। ठीक है ना, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण यानी स्तंभ की चोटी क्या है यहाँ पर डी, और समतल पर स्थित, समतल पर स्थित कोई बिंदु है ए, ए से डी का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ अपने को 15 डिग्री। अब अपन क्या है कि जैसे स्तंभ की ओर चलते, अब स्तंभ की ओर चल रहे जैसे, अब स्तंभ स्तंभ की ओर जैसे चल रहे ए स्थान से बी स्थान तक जैसे वो 100 मीटर की दूरी तय करे। ठीक है ना, ए स्थान से बी स्थान तक 100 मीटर चलने के बाद में उसका थीटा क्या है 15 डिग्री से 30 डिग्री होता है, उन्नयन कोण कितना हो गया उसका 30 डिग्री हो जाता है। ए से बी स्थान तक उसने कितनी दूरी तय कर ली 100 मीटर की दूरी तय कर ली, ए से बी स्थान पर आया, ए पर उसका उन्नयन कोण 15 डिग्री था, जैसे वो बी स्थान पर आता है तो उसका थीटा यानी कि उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। अब अपने को क्या है स्तंभ की ऊंचाई बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई यानी कि एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार तो प्रश्नानुसार अपने को कच्चा चित्र बना करके उसको समझ लेना है कि भाई मेरे को इसमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, और उसको नामांकित भी अपने को अच्छी तरीके से कर लेना। अब आप सबसे पहले क्या है त्रिभुज ए सी डी को देख लें, समकोण त्रिभुज ए सी डी में आप देखो इसके अंदर लंब सी डी और आधार ए सी। अब लंब और आधार इसका मतलब थीटा का जो मान देखेंगे वो थीटा का मान हम कहां देखेंगे टेन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज ए सी डी में टेन 15 डिग्री बराबर लंब बटे वे आधार। ठीक है, अब टेन 15 का मान अपने को क्या है दिया हुआ प्रश्न में, टेन 15 डिग्री बराबर 2 √3। ठीक है, तो टेन 15 की जगह हम क्या करेंगे मान रख देंगे 2 √3 बराबर की जगह बराबर लंब। अब लंब इसके अंदर सी डी है जिसको अपन ने क्या मान रखा है एच मान रखा है, तो लंब की जगह एच और बटे हुए आधार, आधार हो गया आपका इसके अंदर ए सी, लेकिन ए सी के दो भाग, एक भाग ए बी और दूसरा भाग बी सी। ठीक है, ए बी बराबर कितना आ रहा है आपके 100 मीटर आ रहा है, और बी सी बराबर क्या आ रहा है बी सी अपने को मालूम नहीं, इसलिए अपन ने क्या इसको एक्स बराबर मान। ठीक है, ए बी प्लस बी सी का योग करते हैं तो योग करने पर क्या बन जाता है ए सी बन जाता है। ठीक है, तो बटे हुए आधार, आधार आपका ए सी है तो हम क्या करेंगे 100 के अंदर एक्स को जोड़ देंगे, तो बटे हुए आधार की जगह क्या लिखेंगे 100 + x लिखेंगे। ठीक है, यानी सूत्र में हमने क्या कर दिया मान रख दिया लंब की जगह एच और बटे हुए आधार की जगह 100 + x। अब यहां वापस क्या करना अपने को वज्र गुणा करना, एच को 1 से गुणा करेंगे, 2 √3 को हम क्या करेंगे 100 + x से गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने पर एच बराबर क्या हो गया 2 √3 कोष्टक 100 + x। ठीक है, क्या किया हमने इसको वज्र गुणा किया, एच को 1 से गुणा किया तो ये एच है, और 2 √3 को गुणा कर रहे हैं किससे कर रहे हैं 100 + x से। इस तरह से हमारे पास में ये एक समीकरण,
ठीक है, या हमने क्या कर दिया यहाँ समीकरण नंबर एक डाल दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज देखें, त्रिभुज है आपका बी सी डी, इसके अंदर आपके देखो आपका लंब सी डी बराबर और आधार बी सी बराबर, तो यहाँ भी हम थीटा का जो मान देखेंगे वो कहाँ देखेंगे, टेन के अंदर देखेंगे, तो टेन 30 डिग्री बराबर, त्रिभुज कौन सा हो गया आपका बी सी डी, समकोण त्रिभुज है ये भी, तो त्रिभुज बी सी डी में टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे वे आधार, ठीक है। अब टेन 30 का मान वापस सारणी में देखेंगे तो टेन 30 का मान कितना होता, एक बटे वे रूट 3 बराबर की जगह बराबर, लंब बराबर, लंब आपके इसके अंदर क्या सी डी जिसको अपन ने एच मान रखा है, इसलिए लंब की जगह क्या लिखेंगे अपन एच, और बटे आधार, आधार इसके अंदर बी सी है जिसको हमने क्या मान रखा है एक्स मान रखा है, तो आधार की जगह हम क्या लिखेंगे वापस एक्स लिख देंगे बटे एच बटे एक्स, सूत्र में हमने क्या किया मान रख दिया, उसके बाद क्या करना वापस यहाँ वज्र गुणा करेंगे, एक्स को एक से गुणा किया तो एक्स आ गया और रूट तीन को एक्स से गुणा किया तो रूट तीन एक्स, इस तरह से ये हो गए हमारे पास में दूसरी समीकरण, ठीक है। अब समीकरण नंबर दो के अंदर जो एक्स का मान आ रहा है वो एक्स का मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर एक में रख देंगे, ठीक है, समीकरण दो का मान समीकरण नंबर एक में रखने। अब समीकरण नंबर एक क्या आपके एच बराबर दो माइनस रूट तीन कोष्टक 100+x, समीकरण नंबर एक ये है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं एक्स का मान जो आया समीकरण नंबर दो में ये मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर एक में रख देंगे जहां पर आपके एक्स आ, ठीक है। तो समीकरण नंबर अपन पहले क्या करेंगे एक लिख दिया, लिखने के बाद में एच की जगह एच बराबर की जगह बराबर दो माइनस रूट तीन ऐसे ऐसे कोष्टक 100+x, अब 100 की जगह तो 100 आ गया प्लस की जगह प्लस, लेकिन x की जगह हम क्या करेंगे रूट तीन एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। x का मान कितना आ रहा अपने पास, x का मान आया अपने पास में रूट तीन एच आया, तो हम क्या कर रहे हैं x की जगह रूट तीन एच लिख रहे, ठीक है। उसके बाद वापस अपन क्या करेंगे देखो, अब आप वापस क्या करना अपने को यहाँ पर 100+√3x का मान ज्ञात है, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये वाली जो संख्या ये क्या हो जाएगी इसके h के बटे में चली जाएगी, ठीक है ना, यानी 100+√3x का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा h बटे में 2-√3, ठीक है ना। मान किसका ज्ञात करें अपन 100+√3x में h का मान ज्ञात करना है तो h बटे में 2-√3। अब यहां वापस क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ 2-√3 ये क्या इसमें हर है और हर में यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह, तो इसके विपरीत चिन्ह से अपन इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे एच बटे वे 2-√3 को गुणा करेंगे 2+√3 बटे वे 2+√3, ठीक है। तो आप देखो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं अपन, तो 100+√3h ये तो ऐसे कैसे ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करेंगे, तो 2+√3 को एच से गुणा किया तो 2+√3h ये ऐसे कैसे, ठीक है ना, 2+√3 को कोष्टक में लिखना और कोष्टक के बाद एच और बटे 2-√3 को वापस क्या करेंगे 2+√3 से गुणा, तो यहाँ अपने को ध्यान देना यहाँ संख्या तो एक जैसे आ रही लेकिन माइनस और प्लस में आ रही, तो सर्व समीकरण नंबर तीन से ये भी खुली हुई है, इसको अपन क्या करेंगे बंद करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो अभी ये आपके पास में ए माइनस बी और ए प्लस बी तो आ ही रहा है, इसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बंद करेंगे अपन, ठीक है ना। तो 100+√3h बराबर 2+√3h बटे वे 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, ए की जगह तो हमने क्या लिखा 2 का वर्ग यानी ए स्क्वायर माइनस की जगह माइनस वापस बी की जगह बी का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग, ठीक है, वापस 100+√3h ये तो ऐसे कैसे बराबर 2+√3h ये ऊपर वाली संख्या ये तो यू की लेकिन बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो एक जैसे रूट की रूट गुणा होती है तो क्या होता है रूट हट जाता है, तो नीचे क्या बच गया आपके 4-3 यानी 2 का वर्ग किया तो 4 और माइनस √3 का वर्ग किया तो 3, तो 4 में से 3 निकल गया तो बचा गया 1, अब बटे हुए 1 लिख गया तो ठीक है और नहीं भी लिखे तो भी उससे कोई गलती नहीं है, तो आपके पास में बचा गया 100+√3h बराबर 2+√3 कोष्टक h, ये यू का ही बच गया,
ठीक है, अब बटे हुए एक लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, और नहीं भी लिखेंगे तो बटे हुए में क्या आपके एक है ही। अब आपको क्या है, इस तरह से एक समीकरण बन गई, समीकरण बन गई तो अपन क्या करेंगे इसमें रूट तीन एक्स का पक्षांतर कर देंगे, तो 100 की जगह 100 ये तो ऐसे के ऐसे, बराबर की जगह बराबर 2 प्लस रूट तीन एच, अब ये इधर आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस में रूट तीन एच हो जाएगा। अब आपके पास में दो पद हो गए, एक पद पूरा ये और दूसरा पद ये, इन दोनों में हम देख रहे हैं तो अपने पास में क्या एच कॉमन, क्या कॉमन हो गया एच कॉमन हो गया, तो 100 की जगह तो 100 बराबर की जगह बराबर, इन दोनों पदों में से हमने क्या किया एच को बाहर निकाल दिया यानी कॉमन निकाल दिया, तो एच जब इस पद में से एच बाहर निकल गया तो अपने पास बचा ही गया 2 प्लस रूट तीन बच गया, माइनस की जगह ये माइनस रूट तीन एच में से एच बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा माइनस का रूट तीन बच गया। अब माइनस का रूट तीन और प्लस का रूट तीन ये दोनों ही कट गए, यानी प्लस और माइनस में एक जैसी संख्या तो क्या होती कट जाती है, इसीलिए प्लस का रूट तीन से माइनस का रूट तीन कट गया, तो बचा क्या आपके पास में दो, इसको दो को हम क्या करेंगे एच से गुणा कर देंगे, तो 100 की जगह तो 100 बराबर की जगह बराबर, दो को एच से गुणा किया तो 2h, अब h का मान ज्ञात करना इसलिए क्या होगा ये हो जाएगा 100 बटे हुए 2 हो जाएगा, h बराबर हो गया 100 बटे हुए 2, अब 2 का भाग 100 में लगेंगे तो हमारे पास में h का मान क्या आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारे को ज्ञात भी क्या करना है h का मान ही यानी स्तंभ की ऊंचाई बराबर ज्ञात करना, इसलिए स्तंभ की ऊंचाई क्या हो गई आपके 50 मीटर हो गई। अब इसी प्रश्न को अपन क्या करेंगे एच डब्ल्यू की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे, इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद में इस प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करना, ठीक है ना। दूसरा अपने को प्रश्नानुसार कच्चा चित्र पहले बनाना है, त्रिकोणमिति अनुपात वाली सारणी का ध्यान रखना है और सूत्र का भी अपने को ध्यान रखना, ठीक है, तब अपना को क्या है कि कोई सा भी प्रश्न हल करेंगे तो अपने लिए वह प्रश्न थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए क्या है कि सबसे पहले अपने को वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद इस प्रश्न को हम क्या करेंगे एच डब्ल्यू की कॉपी में बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।